इधर उत्तराखंड में चुनाव समाप्त होने के बाद अब सभी नेता रिलैक्स के मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट का इंतजार अभी बाकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने जा रही है। हरीश रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मतदान खत्म होने के बाद अब प्रदेश में सभी नेता रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत जी। सर, एक महीने से ज्यादा लगातार भागम भाग भाग दौड़ लगी रही, अब कैसे रिलैक्स मोड में आज है लोग? हाँ, रिलैक्स मोड में तो नहीं, लेकिन आगे की बहुत सारी चिंताएं हैं और हमने बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, तो इसलिए मानसिक रूप से हमको बहुत चिंतन करने की और बहुत सोचने की और बहुत काम करने के लिए अपने को तैयार करने की आवश्यकता है और मैं उसी पर सोचता हूँ। सर, ऐसे क्या उत्साहजनक आप लोगों के पास आंकड़े आए हैं जिससे कांग्रेस में अभी से उत्साह नजर आ रहा है? हाँ, जीत रही है कांग्रेस पार्टी, सत्ता में आ रही है, जनता ने कृपा कर दी है और 48 सीटें हम जीत सकते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बात है। सर, पंजाब के भी आप प्रभारी रहे, क्या वहां भी जाएंगे? वहां किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? पंजाब में भी कांग्रेस जीतेगी। जिस दिन श्री चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया राहुल जी द्वारा, उसी दिन ये स्क्रिप्ट लिख दी गई कि पंजाब में कांग्रेस सत्ता में आएगी। भाजपा में मतदान के बाद घमासान शुरू हो गया है। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर पूरा ठीकरा फोड़ा है। 2016 में मार्च के महीने में उन्होंने जो पाप किया था, वो पाप जो है हर मार्च में भाजपा के सर में बोलेगा और भाजपा में और सरफुटबल होगी। तो ये थे हमारे साथ हरीश रावत जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं मतदान के बाद उत्साहजनक स्थिति है और कांग्रेस मजबूत सरकार प्रदेश के अंदर बनाने जा रही है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी।